अब जो ये लास्ट स्कैम बता रहे हैं ये भाई हर कॉमन प्लेस पे मिलेगा, हर टूरिस्ट प्लेस पे मिलेगा। हम भी एक बार फंस चुके हैं मसूरी में। हाँ। अगर आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो हाँ कमेंट करके बताना नीचे। सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल गाइज, एंड होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो अभी पिछले कुछ आपने वीडियो देखे नॉर्थ गोवा से, जिसमें हमने दिखाया आपको मोपा एयरपोर्ट, अरांबोल बीच और बागा बीच के हाल। वो तो खैर लाजवाब ही थे, अगर मिस किए हो तो आप जाके देख सकते हो वो वीडियो, ऊपर आइकन में मैं डाल दूंगा। बाकी आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं जो मोस्टली ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेस पे ये स्कैम होते रहते हैं। तो कुछ ऐसे स्कैम है जो मोस्टली हर टूरिस्ट प्लेस पे मिलेंगे, लेकिन गोवा में अगर आप आ रहे हो तो हम गोवा को लेके बात करते हैं। तो गोवा में आपको इन चीज़ों से जो है सावधानी रखनी चाहिए थोड़ी। अगर आप थोड़ी सी अपने माइंड यूज करो तो आप इन स्कैम्स से बच जाओगे आराम से। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हैं जो मतलब होते रहते हैं, हर टूरिस्ट प्लेस पे होते हैं। तो गोवा में भी वो चीज़ें होती हैं, और नॉर्थ गोवा में आपको ज़्यादा मिलेंगी, साउथ गोवा में आपको कम मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि साउथ में नहीं होती है, पर कंपैरेटिवली कम होती है। हाँ, नॉर्थ के मुकाबले कम है। तो सबसे पहले बात करते हैं होटल स्कैम की। तो हाँ। होटल स्कैम के नाम पे देखो सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो ये होता है कि आपने बुकिंग कर ली और पे एट प्रॉपर्टी है, आपने अगर बुकिंग करी है और हाँ। पहले से कुछ अमाउंट नहीं दिया, या पे एट प्रॉपर्टी है या कुछ परसेंट आपने दिया है पहले से, और जब आप वहाँ पहुँचते हो तो आपको बोला जाता है जी रूम ही नहीं है। तो ये किस सिचुएशन में होता है? ये ज़्यादातर तब होता है जब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पे, जैसे कोई ओकेजन होता है, सपोज क्रिसमस हुआ, न्यू ईयर हुआ, या और कोई लॉन्ग वीकेंड हुआ, जब रूम की शॉर्टेज पड़ गई, तो तब आपको ये देखने को मिलेगा। तब क्या होगा, आपको बोला जाएगा जी रूम ही नहीं है। फिर आप कुछ भी कर लो, आप कहो दिखाओ हमारी बुकिंग है, ये है सो है, तो वो आपके ऊपर चौड़े हो जाते हैं कि हम पुलिस बुला लेंगे और ये करेंगे सो करेंगे। उसके बाद कई कई जगहों पे ऐसा देखने को मिला है कि भाई डबल पैसे दे के आपको बुकिंग मिल गई, कई कई पे मिली ही नहीं, उन्होंने पहले ही आपका रूम किसी और को बेच दिया ज़्यादा पैसे में। तो ये चीज़ ना नॉर्थ गोवा में ज़्यादातर देखने को मिलेगी आपको। साउथ में मैंने अभी तक कोई इंसिडेंस ऐसा नोटिस नहीं किया, बट हो सकता है हुआ हो, मुझे आइडिया नहीं है, बट पर्सनली मैंने किसी से नहीं सुना। और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से जानने को मिली, जैसे हमारे जो गेस्ट आए, जो नॉर्थ में रह के फिर इधर रहते हैं, तो बहुत सारे गेस्ट ने ये कंप्लेन की कि जी डबल पैसे दे के लिया, किसी को मिला ही नहीं, और कोई आधी रात को कॉल कर रहा है कि हमें रूम दे दो, हमने जहाँ बुकिंग करी थी वहाँ है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको श्योरिटी ये करनी है कि आने से पहले एट लीस्ट ऐसी जगह बुकिंग करो, जब भी आप बुकिंग कर रहे हो आने से पहले आपकी फ़ोन पर बात हो जाए। फ़ोन पे बात हो जाती है तो बंदा फिर भी थोड़ा सा रहता है कि भाई मेरी बात हो गई है पर्सनली, या कोई कॉन्टैक्ट नंबर लो, या मतलब कंटिन्यू टच में रहो जिस जहाँ पे आपने बुकिंग कराई है। बिल्कुल, और इन केस आपको वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। अगर आपको वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा, या फ़ोन नहीं उठा रहा आपका, या फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को माइंड में सोच लो कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो आप बेटर की बुकिंग या तो कैंसिल करा दो, या फिर किसी और जगह देख सकते हो। राइट। और कई जगह ना हॉस्टल्स में भी यहाँ पे स्कैम हो जाते हैं, उनके ना रूल बने होते हैं कि भाई ये रूल है, बाहर का फूड आप नहीं ला के खा सकते, आप ये नहीं कर सकते। बाई चांस आपने कोई ऐसा रूल तोड़ दिया तो आपसे उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, उसका एक्स्ट्रा मांगने लगते हैं। तो ये चीजें चलती, ये चीज हमने खुद फेस की थी अरांबोल पे, इसलिए हम ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और एक्चुअल में देखो उस चीज के पीछे ना सॉलिड रीजन होते हैं। सपोज वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि बाहर का खाना लाके नहीं खा सकते, लेकिन फिर वो आपको बोलेंगे जी हमारे पास तो कुक ही नहीं है, और आपको वेट करना पड़ेगा। आप सिंपल सा ब्रेकफास्ट भी बोलोगे तो वो बोलेंगे 1 घंटा लगेगा, लंच का बोलोगे तो 1.5 घंटा लगेगा। अब उतना कोई वेट नहीं करता, 1.5 घंटा कौन वेट करता है, तो आप बाहर से खाने के लिए मजबूर हो जाते हो और वो फिर आपको भारी पड़ता है। इसके बाद जो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है, जहाँ पे ज़्यादा स्कैम देखने को मिलता है, वो होता है रेंटल्स में, चाहे आप बाइक ले रहे हो चाहे आप गाड़ी ले रहे हो। कई बार क्या होता है, अगर आप थोड़े से अनाड़ी हो, मतलब पहली बार आए हो, आपने इतना ध्यान नहीं दिया और आपने ना बिना चेक किए बाइक ले ली, तो उसमें कई बार जो डेंट पहले का होता है या पहले की कुछ प्रॉब्लम हुई, वो कई बार वो आपके सर पे रख देते हैं कि भाई ये आप गड़बड़ करके लाए हो, इसका पैसा दो। या फिर कहीं पे भी मतलब कुछ भी दिक्कत हो सकती है, या सपोज आपसे छोटी सी कहीं पे लग गई है, जरा बहुत स्क्रैच लग गया है, तो उसका वो
अमाउंट बहुत ज़्यादा मांगते हैं। हाँ। मतलब ये लगा लो आप, अगर कहीं पे आपने कार रेंट ली है और उसमें अगर कहीं पे स्क्रैच आ गया या कहीं पे थोड़ी बहुत आपसे लग गई, तो वो उसका इतना ज़्यादा पैसा लेंगे, चाहे वो उसे इंश्योरेंस से ठीक करा रहा है। हाँ। बट वो आपसे पूरा पैसा लेंगे उसका जो पार्ट डैमेज हुआ है। तो देखो एक तरीके से पार्ट डैमेज का तो देखो कैसा होता है, क्योंकि उन्होंने रेंट पे देनी है अपनी हाँ। चीज़, तो जितने दिन उनकी इंश्योरेंस के चक्कर में वहाँ फंसी खड़ी रहेगी सर्विस सेंटर पे, उनका नुकसान हो रहा है हाँ। तो आपसे तो वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनका वो वाला बाहर नुकसान से तगड़ा करवा है लेते हाँ। हैं हाँ। वो वाला नुकसान उनका ज़्यादा तगड़ा होता है आपसे जो पैसा लिया उससे ज़्यादा। बट उसमें आप कर क्या सकते हो, जब भी आप स्कूटर या कार या कुछ भी रेंटल ले रहे हो, पहले पूरा एक वीडियो बना लो हाँ चारों तरफ से हाँ, या फोटोग्राफ्स भी लोगे वो भी चलेगा हाँ। उससे आपको क्या रहेगा, आपकी गलती अगर नहीं है तो आपके सर पे कोई नहीं मंड सकता, लेकिन अगर आपकी गलती है तो आपको पे करना पड़ेगा हाँ। उससे मतलब वो जबरदस्ती आपके ऊपर नहीं बोल सकते हाँ, चीजों को राइट। एक और स्कैम आपको बहुत ज्यादा मिलेगा यहाँ पे गोवा के अंदर, स्पेशली नॉर्थ गोवा में, नाइट क्लब के नाम पे। नाइट क्लब के नाम पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं वो बाहर कि ये मिलेगा ये मिलेगा, और अंदर जाके देखते हो तो आपको कुछ नहीं होता, और आपने एंट्री फीस दे दी, एक बार दे दी हाँ, फिर उसका फिर कुछ नहीं हो सकता हाँ। और उसमें कई बार बोलते हैं कि ये चीज़ ऑफर में मिलेगी, ड्रिंक ऑफर होंगी, ये चीज़ें होंगी, तो उस चीज़ पे भी बहुत सारे यहाँ पे स्कैम्स होते हैं हाँ। देखो कई बार कई लोगों से, मतलब लोगों के एक्सपीरियंसेस जब लोग शेयर करते हैं हमारे साथ आके, तो कई लोगों के ऐसे भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि सपोज जैसे कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स होते हैं अंदर अनलिमिटेड, जो आपने फी पे करी है उसमें अगर आपके अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स हैं, तो उसमें आप हार्डली दो ही ड्रिंक्स पी पाते हो, उसके ऊपर आप पी नहीं पाते, मतलब आपको वॉमिट फील होने लगता है हाँ। या फिर आपका आप अजीब लेवल पे हाई हो जाते हो, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस तरीके के स्कैम बहुत कॉमन हैं कि भाई जो भी ये नाइट क्लब से रिलेटेड है। तो अब जो चौथा स्कैम मैं बता रही हूँ वो मैंने पर्सनली फेस किया है, ये है हिडन चार्जेस। तो हिडन चार्जेस के नाम पे आपसे पैसे लिए जाते हैं, थोड़े बहुत ही हों लेकिन लिए जाते हैं, और आपको फील होता है कि भाई चीटिंग हो रही है आपके साथ। ये कैसा होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हम लोग एक बार बहुत पहले आए थे, तो हम लोग आरामबोल पे गए, आरामबोल पे हमने सन बेड लिया, दैट वॉज चार्जेबल हाँ। तो उसका चार्ज हमने पे किया, और जो बंदा हमें मतलब एंट्रेंस पे मिला था कि हमारे सन बेड पे आ जाओ, उसने बोला कि शावर भी कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी है सो भी है, और आप सन बेड पे बैठो, बाद में नहा के आओ, समंदर में स्विमिंग करके आओ, तो आप शावर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, हमें लगा ओके, और हरविंदर ने शावर ले लिया, अक्षु ने शावर ले लिया, मैं शावर लेके जब बाहर आई हूँ तब मेरे को उसने बोला है कि जी 50 रुपये दो। तो मैंने कहा 50 रुपये किस लिए, बोले शावर का चार्ज है। मैंने कहा मेरी फैमिली के तो दो मेंबर ऑलरेडी शावर लेके जा चुके हैं, उनको तो आपने बोला नहीं, और 50 रुपये इज़ नॉट अ बिग डील, बट आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, बंदे ने तो बोला था कि कॉम्प्लीमेंट्री है सन बेड के साथ। तो वो मुझे फिर गिनाने लगता है कि देखो हमारे यहाँ वाटर टैंकर आता है, उसका चार्ज हमें देना पड़ता है, ये है सो है। आई सेड आई कम्प्लीटली एग्री कि भाई आपको देना पड़ता है चार्ज, और आपका पानी खरीदा हुआ है ये, लेकिन वो चीज़ मुझे पहले से बताओ आप। फिर बोलता है, मैंने कहा उन दो से तो नहीं मांगा आपने, वो दोनों मेरी फैमिली के मेंबर हैं। तो वो बोलता है कि लड़कों से हम नहीं मांगते, लड़कियों से इसलिए मांगते क्योंकि उनके बाल वाल लंबे होते हैं, तो शावर लेने में उन्हें ज़्यादा पानी लगता है। मतलब इट वॉज लाइक, आप क्या ही बोलोगे इस बात को। तो नहीं, उन्हें ये सब मिलेगा, हर जगह हाँ, मिल जाता है। तो ऐसी बहुत जगहों पे आपको हिडन चार्जेस मिलेंगे, इसलिए बेटर होता है कि सब कुछ पहले ही क्लियर कर लो हाँ। मतलब हर चीज, देखो 50 रुपये कोई बड़ी डील नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि आप 50 रुपये दे नहीं सकते, बट ये आपको बताया जाना चाहिए पहले से कि भाई शावर का आपको पे करना पड़ेगा। अब जो ये लास्ट स्कैम बता रहे हैं, ये भाई हर कॉमन प्लेस पे मिलेगा, हर टूरिस्ट प्लेस पे मिलेगा। हम भी एक बार फंस चुके हैं मसूरी में, लेकिन ये गोवा में भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। यूजुअली हमें अभी भी मिलते हैं, बट अब हम उन्हें समझ गए तो हम निकल जाते हैं। स्क्रैच कार्ड भाई आपका, वो बोलेंगे आपको लकी ड्रा मिलेगा, ये मिलेगा, और आपके वो शुरू कैसे करते हैं, दे'ल कम टू यू एंड पूछेंगे, बोलेंगे कि एक ना हमारी होटल की एनिवर्सरी है, उसके लिए हम स्क्रैच कार्ड आपको बांट रहे हैं हाँ। और इसमें जो भी इनाम निकलेगा वो आपको दिया जाएगा, और 3-4 चीज़ें वो बताएंगे कि टीवी निकलेगा, ये निकलेगा, शो निकलेगा, और चौथा वो बताएंगे कि फ्री स्टे निकलेगा हाँ। और उसमें होता फ्री स्टे ही है, चाहे कुछ भी कर लो आप, वो जो पहली वाली 3 या 4 चीजें बताई हैं वो कभी नहीं होती, और वो आपके जो 4 से 5 घंटे बर्बाद कर देंगे।
आपको लेके जाएंगे एक मीटिंग हॉल में, वहाँ 10 से 15 बार आपको एक ही चीज़ रिपीटेड बताई जाएगी, 4-5 लोग होंगे जो बारी बारी आपको कन्विंस करने का ट्राई करेंगे कि जी हमारा पैकेज ले लो, मेंबरशिप ले लो। हाँ, जैसे कि अब मिलती रहती है क्लब महिंद्रा, ये सब इन सब के उसी से घूमते हैं वो। हाँ, होटल्स लाइन सारे होटल्स का यही सीन है, और मेंबरशिप बेचने का ट्राई करेंगे आपको। उसके बाद अगर आप नहीं फिर भी नहीं फंसे उनके जाल में, अगर फंस गए तो फिर तो आपका तगड़ा पैसा गया, लेकिन अगर फिर भी नहीं फंसे तो बोलेंगे ये लो, ये आपको फ्री स्टे मिल रहा है फलानी जगह पे, और आप जाओगे वहाँ पे रुकोगे, वो टैक्सीज के नाम पे आपसे उतना पैसा ले लेंगे जितना पैसा आप नॉर्मली एक होटल के लिए नहीं पे कर रहे होते हो। बिल्कुल, 2.5 से 3 हज़ार वो टैक्सीज ले लेते हैं, और 1500 से 2000 में आराम से एक बढ़िया पूल वाला होटल मिल जाता है। हाँ, तो ये सारे स्कैम्स बहुत कॉमन है गोवा में और ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस पे। बिल्कुल, तो थोड़ी सी अगर आप समझदारी दिखाते हो तो इन सब से आप बहुत आराम से बच सकते हो, अपना पैसा टाइम बचा सकते हो। हाँ, और मैं तो कहता हूँ कि इस तरह की कोई अगर फ्री चीज़ आपको दे रहा है ना, तो अवॉइड करो उन सब चीज़ों को। Exactly. अगर आप घूमने आए हो तो घूमने अपना पूरा माइंड ना घूमने पर लगाओ। हाँ, और जो भी है मतलब उस टाइम को एंजॉय करो, इन सब चीज़ों में ना फंस के। हाँ, इन सब चीज़ों में फंस के आपका ट्रिप रूइन होता है और कुछ नहीं होता। हाँ, सो गाइज ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेस पे आपको मिलेंगी, गोवा में भी ये चीज़ें होती हैं। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो। हाँ, कमेंट करके बताना नीचे। हाँ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।